साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीए मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम सेमी सर्कुलर मेथड देखेंगे कि सेमी सर्कुलर मेथड के द्वारा हेप्टागन, रेगुलर हेप्टागन यानी कि सम सप्तभुज कैसे बनाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बारी एग्जाम में आ चुका है कि ड्रा आ रेगुलर हेप्टागन विद द साइड 30 mm। यहाँ पर 30 mm दी गई है, इसके अलावा भी कोई साइड 40 mm, 50 mm कोई वैल्यू दी जा सकती है। यूजिंग सेमी सर्कुलर मेथड, सेमी सर्कुलर मेथड का प्रयोग करते हुए एक सम सप्तभुज बनाएं जिसकी साइड 30 mm है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो इसके लिए आपको इन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि साइड कितनी दी गई है। यहाँ पर आपको साइड दी गई है 30 mm की। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से 30 mm की एक लाइन लेंगे बिल्कुल सीधी। 30 mm का मतलब है 3 cm। तो यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये 30 mm। तो ये 30 mm की एक लाइन हमने ले ली है, इसका हमने नाम दे दिया ए और ये हमारी बी। अब करना क्या है, सेमी सर्कुलर मेथड। अब सेमी सर्कुलर इसलिए कहा जाता है कि हम प्रकार को इस ए बी के बराबर खोलकर एक सेमी सर्कुलर ड्रा करते हैं। अब हम ए को केंद्र मान के एक सेमी सर्कुलर बनाएंगे। सेमी सर्कुलर का मतलब है अर्धवृत्त। तो ये हमने एक अर्धवृत्त बना लिया है। अब क्या करेंगे, जो ए बी लाइन थी उसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे, जो कि किसी एक बिंदु पर सेमी सर्कल को काटेगी। उस बिंदु का हम नाम रख देते हैं पी। अब हमें करना क्या है, जो हमने ये सेमी सर्कुलर बनाया है इसको 7 बराबर भागों में बांटना है। 7 बराबर भागों में क्यों, क्योंकि हमने जो ड्रॉ करना है वो है रेगुलर हेप्टागन। हेप्टागन मतलब सप्तभुज। तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी, 7 भुजाएं होंगी। तो हम इस पूरे अर्धवृत्त को, सेमी सर्कल को 7 बराबर भागों में बांट लेंगे। आपको पता है कि सेमी सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। 7 बराबर भागों में बांटना, तो 7 से हम इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 7 से भाग करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो होगा लगभग 25.7 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर या डी की मदद से 25.7 का एक निशान लगाएंगे ए बिंदु से। तो प्रोटेक्टर को यहाँ पर ए बिंदु पर सेट करके हम यहाँ देखेंगे 25.7 कहाँ पर है। तो ये हमारा 25 है और 25 से थोड़ा सा आगे ये हमारा हो जाएगा 25.7। तो ये एक बिंदु मिल जाएगा। तो स्केल की मदद से यहाँ इस बिंदु पे रख के, और सेंटर हमारा कहाँ पर है, ए पर है, यहाँ रख के एक निशान लगाएंगे। तो ये हमारा क्या है, 25.7 डिग्री। अब प्रकार को हम इसके बराबर खोल के निशान लगाएंगे। तो हमने प्रकार को ये 25.7 डिग्री के बराबर खोल लिया है। अब हम इसकी मदद से हम इसके 7 बराबर पार्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे इस सेमी सर्कल के 7 बराबर पार्ट हो गए हैं। हम इनको नेमिंग कर देंगे। इसको, इसका नाम है 1, इसका नाम दे देंगे 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। तो ये हमारे 7 बराबर पार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, ए को और 2 को क्या करेंगे, मिला देंगे। इसी प्रकार ए और 3 को भी हम मिलाकर इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे आगे तक। इसी प्रकार ए से 4 को एक्सटेंड कर देंगे। पांच को भी ऐसे ही एक्सटेंड कर देंगे और 6 को भी, ए 6 को यानी इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। अब हमें अगले स्टेप में प्रकार को 30 mm के बराबर खोल लेना है, यानी ए बी के बराबर खोल लेना है। ये हमारा ए बी के बराबर प्रकार को हमने खोल लिया। अब बी से जो हमने लाइन एक्सटेंड की थी ए 6, इस बी बिंदु से यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, ये हमें सी बिंदु मिल जाता है। अब इस बिंदु से हम इस लाइन को
भी काटेंगे, लेकिन हमारी लाइन थोड़ी छोटी रह गई है तो इस लाइन को हम और आगे एक्सटेंड कर लेंगे दोबारा A5 को, तो हमें ये बिंदु मिल जाता है। इसके बाद इस बिंदु से जो हमारी लाइन है A4 उसको काटेंगे, ये भी एक बिंदु पर काट लेगी इसको, तो ये हमारा बिंदु ऐसे मिल जाता है यहाँ पर। इसके बाद हम बिंदु 2 से इस लाइन को भी क्रॉस कर लेंगे जो A3 लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर रखा है। इसके बाद हम इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे, AB से इस बिंदु को मिला देंगे, ये हमें मिल जाएगा सी पॉइंट, इसको नाम दे दिया हमने सी। इसको हम आगे मिला देंगे यहाँ, ये हमारा हो जाएगा डी। इसके बाद हम इसको मिला देंगे, ये हमें मिल जाएगा ई। ई को आगे हम मिला देंगे इस बिंदु से, इसको कह देंगे हम एफ। एफ को मिला देंगे 2 से, इसको हम जी भी कह सकते हैं, यहाँ पर अगर नाम दे दे इसका जी। अब हमें एक रेगुलर हेप्टागन मिल गया है, यानी कि सम सप्तभुज, एक ऐसा सप्तभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। इसको मैं कलर के द्वारा आपको अलग से डार्क करके दिखा देता हूँ हमारा सप्तभुज कौन सा है, और आप देख सकते हो कि सारी लाइनें क्या हैं 30 mm की हैं। देख लीजिए बी और सी क्या है 30 mm की, तो सारी लाइनें क्या हमारी 3 cm, सी डी कितनी है 3 cm यानी कि 30 mm, तो सारी साइड हमारी क्या है बराबर है। तो इस प्रकार हम एक समसप्तभुज बना सकते हैं। तो ये हेप्टागन कौन सी है आप लिख सकते हो, हेप्टागन ABCDEFG। तो ये हमारी A, ये B, ये C, ये D, ये बिंदु EF और ये क्या है G। तो इस प्रकार से हम हेप्टागन भी बना सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को सेमी सर्कुलर मेथड के द्वारा आपको षटभुज बनानी है, पंचभुज बनानी है, तो उसी प्रकार से उतने ही पार्ट कर लेते हैं। मगर हमें सप्तभुज बनानी तो हमने इसके सेमी सर्कल के 7 पार्ट कर लिए, लेकिन अगर पंचभुज होती तो हम यहाँ 5 पार्ट करते, बाकी मेथड ऐसे ऐसे सेम रहता। षटभुज बनानी होती तो हम 6 पार्ट करते, बाकी मेथड हमारा सेम रहता। तो इस सेमी सर्कुलर मेथड के द्वारा आप कोई भी रेगुलर पॉलीगन बना सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे हमें रेगुलर हेप्टागन बनाना है या कोई दूसरी रेगुलर पॉलीगन बनानी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।